नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट्स बताऊंगा आपको, और अगर आपको जानना है कि नीट 2021 का फॉर्म कब आएगा तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, क्योंकि एक एक चीज आपको बताऊंगा कि क्या फैक्ट्स है, अभी तक कितने अपडेट्स आए हैं, जिसके बेसिस पे आप एनालाइज खुद कर लेंगे कि नीट का फॉर्म कब आएगा। एक एक चीज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि विनीत जोशी, जो कि हमारे एनटीए के डायरेक्टर हैं, ठीक है, विनीत जोशी जो कि एनटीए के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक इंडिया टीवी के साथ शायद इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बोला कि फेब लास्ट में या मार्च फर्स्ट में हम नीट की डेट को अनाउंस करेंगे बच्चों। पर फेब लास्ट तो बीत गया लगभग, अब मार्च फर्स्ट में बची है, तो ये आशंका हम बना सकते हैं। कई न्यूज पोर्टल्स के अंदेशा भी ऐसे हैं कि 2 से 3 मार्च के बीच में आपका फॉर्म का या एग्जाम का जो भी होगा वो नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, ठीक है, जो भी होगा वो नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। पर ऐसी बात नहीं है, अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को देखेंगे तो समझ पाएंगे बच्चों। कि उन्होंने एक चीज और बोला था कि इसमें देरी इसलिए लग रही है क्योंकि 28 से ज्यादा बोर्ड्स हैं हमारे देश में, आपको पता है, इन सभी बोर्ड्स के साथ मिलके एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो उन्होंने बोला 28 बोर्ड्स, दो मिनिस्ट्री के साथ और एनटीए की जो डायरेक्टोरियल टीम है उसके साथ, इतने लोगों के मिल के प्लानिंग चल रही है नीट को कराने का, तो इसमें इसीलिए देरी आ रही है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा संकेत उन्होंने दिया, जो 28 बोर्ड्स बोला मतलब बोर्ड के जो हमारे चेयरमैन और डायरेक्टर होते हैं वो भी इस एग्जाम के कमिटी में शामिल है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बोर्ड्स एग्जाम के बीच में या बोर्ड्स एग्जाम के पहले एग्जाम हो, ठीक है। तो 28 बोर्ड्स कभी नहीं चाहेगी, और मोस्टली बोर्ड्स के एग्जाम मई जून में हो रहे हैं आपके, 10 जून तक जो पता ही आपको हो रहे हैं, तो 10 जून तक तो कोई भी बोर्ड्स नहीं चाहेगी, ठीक है। और मिनिस्ट्रीज तो आपको पता ही है, पोखरियाल जी का तो कोई वही नहीं है, कुछ भी बोलते हैं कभी भी, उनका कोई अपना ओपिनियन ही नहीं है पोखरियाल जी का, पर हेल्थ मिनिस्ट्रीज के लिए कंसर्न है वो कोरोना के मद्देनजर देखते हुए चीजें। तो आप यहां से क्लियर कट इंडिकेशन ले सकते हैं बच्चों, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बता रहा हूं, कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन उठा के नहीं बोल रहा हूं, कि बोर्ड एग्जाम के बाद ही आपका नीट एग्जाम होना है, और फॉर्म आने की पूरी आपकी प्रोबेबिलिटी है जो बच्चों वो है 2 से 3 मार्च तक आपका कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत लेट होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपके आ जाएंगे नोटिफिकेशन बच्चों, और नोटिफिकेशंस आने के बाद आपके भी एग्जाम कब होंगे ये सब के नोटिफिकेशंस आएंगे, और आपका फॉर्म जो भराएगा मोस्ट प्रोबेबली 15 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा, जो कि 15 मार्च से भरा जाएगा जो कि 15 अप्रैल तक चलेगा, ये फॉर्म भरने का डेट आएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं, जैसा कि आपको पता है कि नीट 2 बार कराने की बात हो रही है, नीट ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है, कैसे होगा क्या होगा इस पे डिटेल वीडियो अगर चाहिए आपको एनालिसिस के साथ कमेंट करिएगा, हम बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर किया करिए, प्लेलिस्ट में जाइए बच्चों, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस पढ़िए। और आपके लिए हमने ऐसे चैप्टर्स की केमिस्ट्री में एक सीरीज चलाई है जिसमें आपको हमने वो चैप्टर्स कहीं कोचिंग में नहीं पढ़ाए जाते, जैसे पॉलीमर, बायो मॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर आपको कहीं पढ़ाए नहीं जाते हैं, पर इनके मिला के 6-7 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, और वो 6-7 क्वेश्चन हलवा होते हैं। तो 10 लेक्चर्स की हमने एक सीरीज T10 चालू की है, उसको आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, तो आपके 10 क्वेश्चन तो श्योर शॉट ही सही हो जाएंगे, ठीक है, करके आएंगे आप सही क्या होंगे, ठीक है बच्चों। और एग्जाम के रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन आपको बता दी, ट्वाइस इन ईयर कराने की प्रोबेबिलिटी चल रही है, और ये बोर्ड्स के मामला भी इसमें आ गया है, तो बोर्ड एग्जाम के बाद ही ये होना है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि 2 बार होगा, तो क्या दोनों बार जो बच्चे देंगे एक ही बच्चे 2 बार दे सकते हैं, या आप किसी एक स्लॉट पे दे सकते हैं, इन सब में कोई क्लैरिटी नहीं है। पर यहाँ पे एक चीज जरूर क्लैरिटी है बच्चों कि एग्जाम जो होना है वो मोस्टली आपका ऑनलाइन होना है, मोस्टली इसके 90% फेवर्ड है कि ऑनलाइन होना है। तो अगर आपके एग्जाम्स ऑनलाइन होने हैं तो उस पैटर्न पे आपको चलना पड़ेगा, उसके लिए अपने आपको पहले से ही तैयार करना पड़ेगा बच्चों। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारे फ्री में लेक्चर्स देंगे, जैसे आपको अगर नीट की जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस हो जाती है, ठीक है, हम वन शॉट सीरीज चालू करेंगे जिसमें आपको एक एक चैप्टर की रिवीजन कराएंगे, कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप पढ़ लेते हैं, मार खाते हैं आप फिजिक्स केमिस्ट्री में, हम आपको इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से सिलेक्शन आपका रुकने नहीं देंगे, आप क्या नाम क्या आगे इस बार डॉक्टर हम रुकने नहीं देंगे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से,
पूरा कंप्लीट आपको पानी की तरह पढ़ाया जाएगा एकदम आसान बना के, और आप क्लास करके देख सकते हैं T10 सीरीज में से क्वेश्चन सर ने कराया था और जेई मेन के एग्जाम में एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ गया था। तो आप जरूर हमारे प्लेलिस्ट को विजिट किया करिए, चैनल पे जो भी एजुकेशनल वीडियो जाते हैं उनको देखा करिए। और एग्जाम की यही अपडेट थी बच्चों, आपको और भी कोई एग्जाम रिलेटेड अपडेट चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए नेट रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं बच्चों तो आप नीट एस्पिरेंट्स लिख के व्हाट्सएप करिए, आप हमारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जुड़ जाएंगे, जिससे समय समय पे कोई भी अपडेट आएगा तो वो आपको मिल जाएगा। हमारा नंबर रोटेट हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए क्योंकि आपके नाम के आगे आपको डॉक्टर इस साल जरूर लगाना है। ऑल द बेस्ट।